रोज लगता है, और रोज सोचकर ऐसा भी लगता है कि यार शायद ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है, बिकॉज वी आर नॉट स्टार किड्स एंड हमें न्यू स्टार्ट करना है. बट इट्स ओके, यहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है, ठीक है? अगर मौका लेना चाहो तो यहाँ पे मौके आपको प्लेट में नहीं मिलते हैं, आपको छीनने पड़ते हैं. तो यस, आई एम रेडी. आपको ऑफर आया था बिग बॉस की तरफ से, जी, यू डिनाइड, व्हाई? क्या? बिकॉज मैंने बताया ना कि मैं जस्ट अभी रियलिटी शो कर कर आई हूँ, और आई डोंट वॉन्ट कि मैं एक दिन से फिर से रियलिटी शो में चले जाऊँ. मुझे काम करना है यार. अभी बहुत अभी तक जो मुझे, अगर कंटेस्टेंट की बात करें तो अब्दू, अब्दू इज वेरी क्यूट. मैं उससे मिली नहीं, बट मैंने एक बारी उससे बात जरूर की थी वीडियो कॉल पे, किसी के थ्रू, मतलब वो उनके साथ थे, तो हम, मेरा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रहा था, तो तब मैंने उसको हाई किया था. दैट्स कच्चा बादाम फेम स्टार अंजलि अरोड़ा आजकल सज रही हैं अपने सजना के लिए, लेकिन आखिरकार वो सजना है कौन, और अपने नए म्यूजिक सॉन्ग के लिए वो क्या कुछ हमारे लिए खास लेकर आई है उसके साथ, आइए अंजलि से ही जानते हैं. अंजलि, सबसे पहले तो अगर आपने देखा होगा कि आपके उस नए म्यूजिक को कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में आप गई हैं. जितने मुझसे हो सके मैंने उतने रिप्लाई भी किए हैं. हमने एक एक्टिविटी भी चलाई थी जिसमें मैंने सभी कमेंट्स को रिप्लाई भी किया था, और मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कमेंट्स मुझे अभी तक के मिले हैं. लेकिन वो आपने वो कमेंट शायद मिस कर दिया जिसमें लोग आपके दुल्हन के अवतार को बहुत लाइक कर रहे हैं. हाँ, तो आई बोला तो मैंने कि मैंने सब कमेंट्स पढ़े हैं. तो जहां रीमेक को लेकर फिलहाल इतनी बातें चल रही है, एक नेगेटिव रिमार्क भी दिया जा रहा है कि क्यों 90s के सॉन्ग का ये रीमेक आप दोबारा बना रहे हैं, तो वहीं आपके एक के बाद एक सॉन्ग आए जा रहे हैं, वो भी रीमेक, बट पीपल आर लविंग इट. हाँ, क्या होता है ना कि कुछ, मतलब जो अभी रीमेक्स आ रहे थे और कुछ लोग उनको नहीं पसंद कर रहे थे, बट जो मैंने रीमेक बनाए हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, टचवुड, और आने भी चाहिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस गाने को बनाने के लिए, और हमने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है इस वीडियो के दौरान. और जब ये म्यूजिक वीडियो बन रहा था, और जब ये इसका गौरव दास जी ने इसका म्यूजिक किया, श्रुति रानी ने इसको गाया है, तो हमने इसके लिरिक्स के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की. लाइक जो पुराने वाले लिरिक्स थे वही लिरिक्स को रखकर इसके अंदर कुछ पेपी हमने रैप डाले हैं, तो वो अच्छे लग रहे हैं लोगों को, वो कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है लोगों को. तो आगे चलकर भी हम आपको किसी रीमेक गाने में फिर से थिरकते हुए देखेंगे, या आप बिल्कुल. कुछ नया लेकर आने वाली हाँ, कुछ कुछ ओरिजिनल्स भी आ रहे हैं अभी. ओरिजिनल हैं? मेरा एक दिलजले भी आया, और वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, और अभी एक और आने वाला है. म्यूजिक वीडियोस तो चलते रहेंगे, बट उसके हटके भी बहुत कुछ आने वाला क्या वो बहुत कुछ में एक्टिंग डेब्यूट भी है? है. बिल्कुल. आपकी जो फिलहाल जो जर्नी रही है, छोटी सी जर्नी लगी रही है, लेकिन उस जर्नी में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है. पर आई गेस अंजलि अरोड़ा को सब जानते हैं और उनके गानों में थिरकते हैं, रील्स बनाते हैं. यू आर वन ऑफ द सेंसेशन, डू यू नो दैट? थैंक यू. तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि यू स्टार्टेड फ्रॉम मेकिंग द शॉर्ट्स रील्स एंड नाउ डूइंग द बिग बिग प्रोजेक्ट्स इन सॉन्ग्स, इसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, यही कि मैंने स्टार्ट किया था तब से, और मुझे शुरू से ही ऐसा था कि हाँ चलो, अगर हम इस लाइन में आ ही चुके हैं तो इसमें कुछ अलग ही करना है. तो बस धीरे 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 साथ ही साथ चीजें होती गईं, और कहते हैं ना कि जब आप किसी राह पे चलते हो तो भगवान दरवाजे अपने आप खोलता है, तो वही चीज है. बिल्कुल. मेहनत भी होती है, स्ट्रगल भी होता है, हर चीज को सामना करना भी होता है, तो वही सारी चीजें मैंने की हैं अभी तक. और आई विश कि मैं खुद को, और आगे जब मैं जाऊं तो ये सब चीजें मेरे साथ रहें हमेशा. बिल्कुल. अच्छा, आगे चलकर आपके सॉन्ग्स लाइंड अप हैं, आप जल्दी हमें मूवीज में दिखने वाली, वो भी आपने हमें एक हिंट जरूर दे दिया है, और किसी रियलिटी शो को लेकर फिलहाल बातें हो रही हैं जिसपे हम अंजलि अरोड़ा को देख सकते हैं. रियलिटी शो अभी इस साल तो नहीं, वैसे भी इस साल जो होना था हो चुका है, ठीक है. और अभी मैं एक रियलिटी शो से आई हूँ, सो आई डोंट वांट कि मैं
सारी चीजें अपनी रियलिटी शो में ही दिखा दूं, मुझे काम करना है, आई नीड टाइम कि मैं अपनी चीजों को ठीक कर पाऊं, अपनी चीजों को और बेटर कर पाऊं, खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाऊं, तो यस वेरी सून बट तो एक्टिंग डेब्यू क्या वो 70 mm के बिग पर्दे थिएटर थिएरेटिकल हो रही है या फिर आप हाँ, लड़की की तरफ नो कमेंट्स नहीं बताना है अभी इस बारे में. है? पर आपने कभी सोचा है, जब जिस तरह से आपने अभी तक अपनी जर्नी अपने हिसाब से नहीं सोची थी, लेकिन अभी आपको चीजें मिल रही, तो आपने सोचा है कि यार थोड़ा आगे चलकर ना मैं इस एक्टर के अपोजिट या इस एक्ट्रेस के अपोजिट काम करना चाहूंगी? बिल्कुल यार, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं और सोचते भी रहते हैं, और बहुत सी चीजें जब खाली बैठते ही यही सब चीजें सोचते हैं कि यार इसके जैसा बनना है, इसके जैसा ये करना है, वो करना है. प्रियंका हुज योर इंस्पिरेशन इन दिस इंडस्ट्री? प्रियंका चोपड़ा. चोपड़ा. और अगर एक्टर के अगर बारे में बात करें, तो मेल एक्टर जो शाहरुख खान. आपको ओके. शाहरुख लेटेस्ट खान सर. कोई मूवी आपने उनकी देखी? लेटेस्ट? हाँ यार, अभी हम ब्रह्मास्त्र देख कर आए ना, वो हर मूवी में है क्या यार, हर मूवी में उनका अपीयरेंस होती होती है. अच्छा, सोशल मीडिया आपके लाइफ में गेम चेंजर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ ज्यादा आप विजुअली लोगों से ज्यादा जुड़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव और ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है. हाउ यू टेक दैट? यार देखो, जहां पर लोग आपको प्यार देते हैं वहां पे आपको नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, आपको हेट भी देंगे, आपको ट्रोल भी करेंगे. और जो ट्रोलर्स होते हैं ना, उनको तो मौका चाहिए होता है, बस ये पकड़ लो कुछ नया आया, चलो इसको ट्रोल कर दो, तो वो उनका चलता रहता है. अगर हम उन सब चीजों को देखने बैठेंगे तो यार खुद की लाइफ में बहुत पीछे हो जाएंगे. और जो लोग प्यार कर रहे हैं उनकी पॉजिटिविटी देखो ना यार, मेरा मानना ये है कि उनकी पॉजिटिविटी इनफ है ट्रोलर्स को टक्कर देने के लिए. बिल्कुल. अच्छा, घर वाले कभी आपके बारे में अगर नेगेटिव पढ़ लेते हैं या कोई कमेंट पढ़ लेते हैं आपकी तस्वीर के नीचे, या तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन भाई बहन होते हैं, तो हाउ दे रिएक्ट? डू दे से यू समथिंग? मेरी मम्मा को बहुत आदत है कि वो कमेंट्स पढ़ती हैं, सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, तो वो मुझे बोलती रहती हैं देखो ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है. तो मैं उनको समझाती हूँ कि मम्मा लीव, कोई जरूरत नहीं आपको रिएक्ट करने की इन सब पे, बिकॉज ये वो लोग हैं जो खाली बैठे हुए हैं, जो फालतू की चीजें लिख रहे हैं, और उनको पता नहीं क्या ही मिलता है ये सब चीजें लिखकर, किसी को कुछ गलत बोलकर. इट्स ओके यार, तुम ठीक है किसी चीज को नहीं पसंद कर रहे हो, बट भर देते हैं भाई, भर देते हैं. बट इट्स ओके, दे आर ओके, चल रहे हैं मेरे घर वाले बहुत. तो नेगेटिव कमेंट से ना तो घर वालों को ना आपको कोई परवाह है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव फैंस की भरमार. रिसेंटली क्या आपने बिग बॉस फॉलो अप कर रही हैं आप, बिग बॉस सीजन 16? ज्यादा ज्यादा नहीं, मैंने उसका जस्ट वो एंट्री वाला देखा था जिसमें सब आता है, तो ये जानने के लिए कि कौन कौन आ रहा है. बिल्कुल. आपको ऑफर जी आया था बिग बॉस की तरफ से, यू डिनाइड, व्हाई? क्या बिकॉज मैंने बताया ना कि मैं जस्ट अभी रियलिटी शो कर कर आई हूँ, और आई डोंट वॉन्ट कि मैं एकदम से फिर से रियलिटी शो में चली जाऊँ, मुझे काम करना है यार अभी बहुत. तो आई क्या वॉन्ट कि मैं खुद को प्रूफ करूँ. तो क्या लगता है, रियलिटी शोज आपको ज्यादा पता होगा, आधे फेक जो लोग बात करते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, या जैसे बिग बॉस जो में? रियलिटी शो मैंने किया है, जो रियलिटी शो मैंने किया है वो तो फेक नहीं था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, 0 0%, मतलब 0 था बिल्कुल. हमें कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, बाकियों का मुझे नहीं पता कि बाकियों के पीछे क्या सेटिंग थी क्या नहीं था, आई डोंट नो. बट मेरे को, मैंने तो एक दिन पहले ही हाँ किया था जाने के लिए, सो मुझे कुछ नहीं पता था. आई वॉज सो 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 नर्वस दैट टाइम, और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक तो घर वालों से दूर रहना, ऊपर से नो फोन नो कनेक्शन, किसी से बात नहीं करना, सब नए लोग, सब इन द अलग 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 फील्ड से. सो मेरे लिए बहुत बहुत ही मुश्किल हुआ. लॉकअप का कोई ऐसा बॉन्ड जो आज भी स्ट्रांग है, जिस तरह से हमने लॉकअप के अंदर देखा था? स्ट्रांग तो नहीं कह सकते, बट हाँ दे आर इन टच.
सम ऑफ पीपल साइशा, पूनम, अली, जिशान. तो नेक्स्ट टाइम अगर बिग बॉस सीजन 17 का मौका आएगा, तब तक तो आप लोग आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर जाएंगे, तो कैन वी सी यू देयर? आप क्या इस बार से यस? हाँ, मैं ये तब डिनाई नहीं करूंगी. तो बिग बॉस मुझे खुद को भी 15 प्रिपेयर करना है ना यार, कि लाइक अगर मैं जा रही हूँ तो भाई मैं फिर फोड़ के आऊँ. बिग बॉस 16 जो चल रहा है, आपने जैसे बताया कि आपने एंट्री देखा था कि कौन कौन से 16 कंटेस्टेंट है, तो बट यू आर नॉट फॉलोइंग इट, तो कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट आपको लगा कि यस आई गेस इसमें वो मुझे जील दिख रहा है जीतने का? हाँ देखो, जब हम शुरू शुरू में देखते हैं ना, तो बाय फेस हम नहीं बता पाते, बिकॉज बाय फेस किसी को जज करना आई डोंट थिंक सो कि वो सही है ना. बट उस बंदे का नेचर देख के, कि लाइक कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, कैसे उन सब चीजों से डील कर रहा है, वो उस चीज को बताती है कि लाइक हाँ ये बंदा जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, या फिर इसमें वो काबिलियत है या नहीं है. अभी तक जो मुझे, अगर कंटेस्टेंट की बात करें तो अब्दू, अब्दू इज वेरी क्यूट. एंड संबुल एक लड़की है ना उसमें, सिंबल तो ठीक यंग. हाँ हाँ, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत अच्छी है. सो उसमें थोड़ा बहुत लगा कि मुझे कि हाँ ठीक है, कि वो बट बहुत सबसे यंग है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, बट वो अच्छा कर रही है अभी तक मैंने जो देखा है. बाकी आगे का मुझे नहीं पता. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कंटेस्टेंट जो भी अंदर गए हैं, सब अच्छे से गद के आओ, सब जीतने के लिए गए हैं. बट आपको पता है कि जिनका आपने नाम लिया है, जब से वो घर के अंदर गए हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि बिग अच्छा बॉस की ट्रॉफी इन्हें ही दे दी जाए, या द सुम्बुल एंड हाँ देखो अब्दू. यार, क्या होता है ना, ट्रेंड भी उसी का ही होता है जिसको लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल. तो उनको लोग पसंद कर रहे हैं. अगर मैंने भी उनको मतलब पहली बार में ही देख के पसंद किया है, तो उनमें कुछ तो बात होगी ना. अच्छा, अब्दू से आप पहले नहीं मिले? बिकॉज आई गेस मेनी सोशल मीडिया नहीं नहीं इन्फ्लुएंसर मेकिंग वीडियो विद हिम, आप नहीं मिले? नहीं नहीं मैं उससे मिली नहीं, बट मैंने एक बार ही उससे बात जरूर की थी वीडियो कॉल पे, किसी के थ्रू. मतलब वो उनके साथ थे, तो हम मेरा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रहा था, तो तब मैंने उसको हाई किया था दैट टाइम. अब वो घर से आएंगे तो आप उनके साथ जरूर वीडियो बनाना चाहेंगी? बिल्कुल यार, ही इज वेरी क्यूट, वेरी वो स्वीट. बहुत प्यारा है. हाँ अगर आप सॉन्ग्स जो आप कर रही हैं, जिसमें हम आपको थिरकते हुए देख रहे हैं, या फिर आगे चलकर हम कोई मूवीज में देखेंगे, तो चूज करने से पहले, दैट स्क्रिप्ट बिफोर डूइंग दैट थिंग, क्या आप क्या मन में रहता है कि आई हैव टू चूज दिस स्क्रिप्ट, या चाहे वो सॉन्ग्स के बारे में बात करे कि मुझे यहाँ दिखना है अगर कैसे देखो, होगा? स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट बहुत सारे आते हैं, सॉन्ग्स बहुत सारे आते हैं, बट उनमें से चूज करना कि हमारी ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, अगर मैं ये करूंगी तो मेरी ऑडियंस इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है, और अगर वो करेक्टर अच्छा होता है, लाइक जिसमें एक्टिंग दिखे, जिसमें आप जस्टिफाइड रोल कर सको, ऐसा भी ना हो ना कि हाँ मेरी, मैं अगर ऐसी दिख रही हूँ और मेरे को बिल्कुल ही लाइक बुढ़ा दिखा दिया जाए या कुछ, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा, ठीक बिल्कुल. है. तो हर चीज को, हर कैरेक्टर को पढ़ के समझ के कि हाँ ये मेरे लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, सो उन सब चीजों को देख के, ख्याल रख के सभी चीजें चूज की जाती हैं. सिलेक्टिवली हमारी टीम की तरफ से डिसीजन लिए जाते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, सो तभी कोई भी तभी गाना सिलेक्ट होता है, और कोई भी चीज अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो सब चीजें देख कर ही करते हैं. बिल्कुल. एंड कभी सोचा कि व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू वांट टू प्ले इन दैट 70 mm बिग स्क्रीन? कुछ कभी सोचा कि ये बनना चाहूंगी मैं? बचपन मुझे में तो हर कुछ हर टाइप का, हर टाइप का करेक्टर प्ले करना है मुझे, हर टाइप का, बिकॉज एक्टर वही दिखता है कि हाँ जब आप हर एक अंदाज में खुद को ढाल लो. तो बिल्कुल. मेरी तैयारी उसी में है कि मैं हर जो भी मेरे सामने चीज आए, मैं उसको किल कर दूँ. अच्छा, सॉन्ग्स में तो हमें कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा, वो जलवा देखने को मिला है. अब जब आप बिग स्क्रीन में आ जाएंगी, कभी बचपन में सोचा कि मेरी वो ख्वाहिश थी मुझे कभी एक्टर बनना है, नाउ इट्स गोइंग टू कम ट्रू, कभी प्लान था या बस चल बिजी बचपन में होते नहीं, बचपन में नहीं, बचपन नहीं, बचपन में से ऐसा नहीं, बचपन से नहीं था. अगर गए? बचपन से होता तो शायद मैं तभी कुछ ना कुछ ज्वाइन कर चुकी होती, बट बचपन से नहीं था.
ये चीजें अभी मेरे अंदर आई हैं जब से मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, जब से मैंने चीजें बनानी शुरू की हैं, और धीरे 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 चीजों को पता लगने लग गया, तो वो चीज फील होती है कि यार नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, मुझे ये सब चीजें ठीक करनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए. सो ये सब चीजें चल रही हैं. एंड वन मोर थिंग, हाउ डज इट फील जिस तरह से सोशल मीडिया पे आपके मोर देन 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पीपल जस्ट लव सीइंग यू. जैसे हम गो थ्रू होते हैं ना, कि सोशल मीडिया गो थ्रू होते हैं एंड पीपल जस्ट लव गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो हाउ डज इट फील कि कई एक्टर और एक्ट्रेस से ज्यादा आप फेमस हो ऑन सोशल मीडिया? देखो क्या होता है ना कि सब ये चीज सोचते हैं कि सोशल मीडिया मतलब उन्हीं लोगों जो ट्रोल करते हैं ये होता है. तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पर लोग बहुत मतलब लोगों के पास टाइम बहुत कम है आज के टाइम में. तो इंस्टाग्राम रील्स हो गया, ये यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए. तो ये क्या है ना कि एक छोटी खुशियां हैं, लाइक जब आप अपसेट होते हो, जब आप बहुत ही ज्यादा आपका मन खराब होता है, तो आप जस्ट गो थ्रू करते हो है ना रील्स. तो कुछ चीज अगर ऐसी आ जाती है जिसके जिसकी वजह से आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, कोई जब जिसका मन खराब होगा, जब वो दुखी होगा, तो वो यूट्यूब पे 50 50 या 25 मिनट की वीडियो देखने नहीं जाएगा, बिल्कुल. है ना. तो वो सब चीजें गो थ्रू करते करते अगर उसके फेस पे कुछ किसी को भी देख कर अगर स्माइल आती है, तो वो उस बंदे का एम जो होगा बनाने का, मेरा एम यही होता है कि अगर मेरी प्रोफाइल पे कोई आए, अगर कोई मेरी मेरे को देखता है, अगर वो 15 से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट मेरे लिए निकालता है, तो इट्स इनफ फॉर मी. कि अब किसी का वक्त लेना बहुत मुश्किल होता बिल्कुल. है, और वक्त सबसे बड़ी चीज है. अगर सोशल मीडिया के बारे में बात करें, तो कोई ऐसी प्रोफाइल है जिससे जिसे अंजलि अरोड़ा जाकर देखती है और उनकी प्रोफाइल उन्हें काफी अच्छी लगती है? ऐसे ऐसे अगर आप पूछना मतलब किसी और से अगर पूछो, मतलब कोई भी अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, तो अगर उनसे पूछो, वो कभी ये चीज नहीं बताते. वो कहेंगे कि नहीं, हम किसी को स्टॉक नहीं करते, हम किसी को जाके नहीं देखते. नहीं, ऐसा नहीं होता है. देखो, जब आप कुछ चीज कर रहे होते हो, तो आपको देखना पड़ता है कि सामने कौन क्या कर रहा है. और मैं हमेशा जाके हर किसी की प्रोफाइल चेक करती हूँ, हर किसी की प्रोफाइल देखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, किसकी प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है, कैसे क्या करता है. प्रोफाइल की अगर बात करें, मुझे दीपिका पादुकोण की प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है. दावेशी मतलब वो अपने फोटो शूट्स जो कराती हैं, आलिया भट्ट उनके फोटोशूट, सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं. सो मुझे उनकी प्रोफाइल्स बहुत पसंद है. पर ऐसा नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस सालों सालों बाद एक फोटो डाल देंगे, एक वीडियो डाल देंगे, बहुत टाइम लगाते हैं. बट लाइक हाँ, उनकी क्या पता है क्या होता है, जोन की बात होती है उनका, वो जोनर नहीं है. सोशल मीडिया से उनको फर्क नहीं पड़ता है. बिल्कुल. वो दे आर नोन फेस, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से. तो अगर उनको ये भी बोले ना कि हाँ सोशल मीडिया पे कुछ डाल दो, तो नहीं, दे आर लाइक ठीक है, डल रहा है ओके, नहीं डल रहा है तो भी ओके. तो दीपिका पादुकोण, एक्टर में कोई नाम जिसकी प्रोफाइल आपको देखनी अच्छी लगती हो? रणवीर सिंह, ऋतिक. हाँ, बिल्कुल. रणवीर सिंह, विराट कोहली की प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अनुष्का देव, मतलब वो क्यूट कपल लगते हैं मुझे, विराट एंड अनुष्का. तो आपको क्या लगता है कि देखो, स्टार्स को भी या किसी को भी जो इंडस्ट्री में अभी हाल ही में आ रहा है, सोशली पावरफुल होना चाहिए, लाइक शुड हैव गुड हाँ फॉलोअर्स? यार, हमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेना चाहिए ना रणवीर सिंह का. वो दोनों तरफ एक्टिव है, लाइक वो अपना सोशल मीडिया पे उतना ही स्ट्रांग रखते हैं जितना कि वो अपना स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं. अच्छा, अगर आपकी ये प्रोफाइल नहीं होती, कभी दिमाग में सोचा कि अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो वो जरूर चीज कर रही होती जो मैंने पहले सोचा था? कोई और हाँ, सजेशन? मुझे एयर हॉस्टेस ओ बनना वाह, था. या तो अभी वो आपका ड्रीम नहीं रहा है? नाउ यू ये जो अभी आपका टारगेट है वो इस इंडस्ट्री का ही है? गाइस, यस, अंजलि अरोड़ा को एयर हॉस्टेस बना था, अभी लोग ही जानेंगे तो बहुत खुश हाँ, होंगे. ये सबको पता है ये चीज, आई थिंक कुछ लोगों को पता थैंक है. यू अंजलि, आपसे बात करके मजा आया, और उम्मीद करेंगे जल्दी से आप दिल्ली आए, सो दैट जो गाने आपके रिलीज हो रहे हैं उसमें हम साथ में तिरक सके. बिल्कुल बिल्कुल, एंड वेरी विश यू सुन. ऑल लक फॉर योर कमिंग फ्यूचर. थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉकिंग टू ना यू. सेम हियर. बाय.